hello friends welcome to the pyramid investments today we're going to discuss the very important point that is when to sell yes friends jabi yab coi business mein investments karteo तो बिजनेस में से कब मेरे को एग्जिट करना है वो जानना बहुत ही जरूरी है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट तक बिना रहना इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब द पिरामिड इन्वेस्टमेंट्स प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो सो फर्स्ट पॉइंट इज अ बिजनेस इज नो लॉन्गर गुड यस फ्रेंड जब भी आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हो और वो बिजनेस का फंडामेंटल है वो चेंज हो जाता है राइट तो दैट्स अ राइट टाइम टू सेल योर बिजनेस यस फ्रेंड आपको पीरियड ऑन पीरियड वो बिज़नेस का फंडामेंटल एनालिसिस करते रहना चाहिए जब भी आप ये बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि बैलेंस शीट डिटोरेट हो रही है कंपनी का जो फंडामेंटल कैश फ्लो है कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे जो बिज़नेस फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है दैन इमिडिएटली सेल योर बिजनेस दैट इज अस्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर वेन एवर यू बाय द बिजनेस सेकेंड पॉइंट इज अ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर एंटर यस फ्रेंड जब भी आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनकी कॉम्पिटिशन स्टडी करना बहुत ही जरूरी है जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब कॉम्पिटिटर्स नहीं है लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया उसके साथ कॉम्पिटिशन भी बढ़ती गई अगर वो बिजनेस में तो आपको बिजनेस इमिडिएटली सेल कर देना चाहिए अगर उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो लूज होता है तो अदरवाइज अगर उसके कॉम्पिटिशन के सामने भी वो बिजनेस ऐसे ही इंटेक खड़ा है तो आपको सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो कंपटीशन इज ऑलवेज मैटर इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी तो कंपटीशन एनालिसिस ऑलवेज करते रहिए जब भी आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्योंकि जब भी बिजनेस बड़ा होता है तो उसके कॉम्पिटिटर्स आते ही है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस के अंदर तो उसका एनालिसिस टाइम टू टाइम करते रहो अगर बहुत सारे कंपटीशन हो रहा है बिजनेस के अंदर उसका जो भी प्राइस है प्रोडक्ट का वो डाउन आ रहा है ड्यू टू द कंपटीशन देन इमीडिएटली सेल योर बिजनेस थर्ड पॉइंट बिजनेस इज ओवर वैल्यू यस फ्रेंड्स जब भी आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो अगर वो बिजनेस की वैल्यू है वो ओवर वैल्यू हो गई तो यू हैव टू सेल योर बिजनेस बिकॉज कोई भी बिजनेस होता है उसकी एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है जैसे वॉरेन बफेड जो कोई कोई भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते हैं अगर कोई बिजनेस की वैल्यू लेटेस्ट से थाउजेंड रुपीज़ है और वो बिजनेस आज की डेट पे पंद्रह सौ रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो यू हैव टू सेल दैट बिजनेस बिकॉज द इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ़ दैट बिजनेस इज़ अ थाउजेंड रुपीज़ ऑनली तो आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी वैल्यूएशन निकालना बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास वैल्यूएशन के बिना अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो दैट इज़ अ समथिंग रॉन्ग यू आर डूइंग यस फ्रेंड्स क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही मैटर करती है वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी आपको सीखनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टर हो तो और वैल्यूएशन के बेस पे अगर वो बिजनेस ओवर वैल्यू हो जाता है तो दैट इज़ अ राइट टाइम टू सेल योर बिजनेस फोर्थ पॉइंट बेटर अपॉर्चुनिटी यस फ्रेंड जब भी, भी आप कोई पर्टिकुलर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर थोड़े टाइम के बाद अगर उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कम रेट में भी मिल रही है दूसरा बिजनेस एट्रैक्टिव है उससे कम दाम में मिल रहा है और वहाँ पे ज़्यादा पो फ्यूचर ग्रोथ आपको मिलेगा वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में तो भी आप इन्वेस्टमेंट्स में से एग्जिट निकाल सकते हो क्योंकि आपको अदर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही राइट फ्रेंड तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ से स्विच होना होता है क्योंकि आपको जो इन्वेस्टमेंट आपका है उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको सेकेंड मिलता है इसलिए लास्ट पॉइंट बट नॉट लिस्ट दैट इज़ अ रेज कैश फॉर योर यूज यस फ्रेंड्स अगर आप कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी बन गया है आपने लेटेस्ट से डबल पैसा बना लिया है और आपको इमिडेटली कोई इमरजेंसी की वजह से आपको अगर कैश की ज़रूरत पड़ती है तो भी आप प्रॉफ़िट बुकिंग कर सकते हो पर्टिकुलर बिज़नेस में से क्योंकि आपको वो खुद के यूज़ के लिए कैश चाहिए इसलिए अगर आप लिविंग डिपेंड्स ऑन कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अगर मार्केट है तो आपको कैश निकालना ही पड़ता है क्योंकि आपको रोज़ जो भी खर्चे हैं उनको सेटल करने के लिए येस yes, फ्रेंड्स तो ये सारे पॉइंट्स से जब भी आप कोई पर्टिकुलर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इतनी बातें ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ से आप डिसीजन लेते हो तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ठीक है फ्रेंड्स तो दिस इज द यू नो वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ओके इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब पिरामिड इन्वेस्टमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग